हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। मैं निखिल आ चुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो लेकर के। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी पहाड़ी क्राफ्टर्स में। मैं आपको बताऊँ सबसे पहले, आज है 17 जुलाई, एंड 17 जुलाई के दिन में मैं आपको बताऊँ आज मनाया जाता है हरेली का बहुत बड़ा पावन त्यौहार। पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है और इसको मनाने की क्या विशेषता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ। देखो, आप लोगों को पता है कि देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ पे देवों को लेके, भगवानों को लेके काफ़ी ज़्यादा मान्यता रहती है। तो इसी के एक छोटे सा अवसर पे जो त्यौहार है मनाया जाता है, ये क्या रहता है, जैसे आपका सावन, अब सावन स्टार्ट हो गया है और खेतों में सारी फसल लगाई जाती है, तो खेतों में जो फसल अच्छी हो उसके लिए हरेले का त्यौहार मनाया जाता है। हरेले का मतलब हरियाली होता है। हरियाली के पावन अवसर पर आजकल इस त्यौहार को मनाया जाता है, सावन के महीने पर, इस सीजन पे जितनी भी फसलें रहती है, ये फसलें अच्छी हो, इन पे कीड़ा ना लगे, इस चीज़ के लिए ये जो हमारा त्यौहार है पावन बेला का जो त्यौहार रहता है, इसको मनाया जाता है। एंड दूसरी चीज़ ये रहती है कि हम आज से 8-10 दिन पहले पत्तोलों का, जो पत्ते होते हैं तिमले का पत्ता, अगर आप पहाड़ी, तो आपको पता होगा, नॉर्मली वैसे लोग भी जानते हैं कि पूजा पाठ में काफ़ी काम आता है वो, तो उसकी कटोरी बना करके उसमें कुछ 6-7 बीज डाल करके उसको 10 दिन पहले आज से उगाया जाता है और आज तक उसकी गुड़ाई दिखाई सब की जाती है। उसके बाद में आज के दिन उसको काटा जाता है और इंसान को भी पूजा जाता है और मंदिर में भी चढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपको हरेले का वही पावन त्यौहार के बारे में बताने वाला भी हूँ डिटेल्स में, और दिखाने वाला भी हूँ कि कैसे करके बनाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, अभी मैं नहा धो करके आता हूँ। एंड उसके सो फाइनली दोस्तों, मंजन करते हुए रोज की तरह, हमेशा की तरह, मैं निकल रहा हूँ अपने फेवरेट धारे को, जहाँ पर को छोटे से प्रोजेक्ट के चक्कर में काम भी करता रहता हूँ मैं। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जा कर के नहाना धोना। ऐसा नहीं, आजकल आपको पता है सावन का महीना बरसात का है, इसलिए यहाँ जो पानी की स्पीड है वो कुछ इतनी बढ़ गई है। बेसिकली यहाँ इतना पानी नहीं रहता है, बेसिकली यहाँ कम पानी रहता है, इतना जितना हमारे यूज़ में आ सके, मतलब हो जाता है हमारा सारा यूज़। लेकिन बरसात के टाइम में आपको पता है जगह जगह बरसात में स्रोत फूट जाते हैं, फिर ये तो वैसी भी धारा है, तो यहाँ भी स्रोत निकल गए हैं कुछ, काफ़ी सारे। ये अभी कुछ टाइम तक रहेंगे, परमानेंट नहीं रहते, परमानेंट तो कुछ कुछ ही रहते हैं इसमें, जो साल भर पानी देते हैं, कुछ तो अभी 1-2 महीने बाद में फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी अब नहाते हैं यहाँ पे सीधे और निकलते हैं सीधे मंदिर। तो फाइनली नहा धो के तो मैं रेडी हो गया हूँ और अब आ गया हूँ मैं अपने मंदिर पे। ये हमारा मंदिर और ये जो हमने हरेला लगा रखा था, ये वो हरेला है। और इस हरेली की एक खास बात ये होती है कि इसका नाम हरेला होता है, लेकिन इसको हरा नहीं होने देना पड़ता है, इसको पीला ही रहने देना पड़ता है। तो इसलिए ये जो रहता है 10-12 दिन ये ढक करके अंधेरे अंधेरे में रखा जाता है इसको। आज इसको निकाला है फाइनली, अभी काटना है। अभी मैं चलो मंदिर में पहले सारा सामान तैयार करता हूँ, फिर पूजा पाठ करता हूँ और आपको। तो यह है कुछ हमारा मंदिर। अब सबसे पहले हम भगवानों को नहलाएंगे, उनको नहलाने के लिए सबसे पहले लेकर आते हैं फूल। अभी पिटिया की थाली लगानी है, तो सबसे पहले जो हम लेकर आएंगे फूल, वो भी जो मैंने घर में लगा रखे हैं, वाले तो लाते हैं। ये फूल तोड़ना अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन अब मंदिर में चढ़ाने के लिए तोड़ने पड़ेंगे। कौन से हो रहे हैं ये वाले, तो खैर नीड लगेंगे बाकी। और हाँ, एक और फूल दिखाता हूँ, मैंने सारे फूल लगा रखे हैं, सारे वैरायटी के। चलो बहुत हैं, कुछ नहलाने के लिए, कुछ चढ़ाने के लिए काफी हैं। सो फाइनली मंदिर में कुछ पूजा हमने कर दी है और वो हरेला है जो हमने लगाया था, देखो इसको। तो ये कुछ है हरेला हमारा, जो पूरा पीला हुआ है और पीला ही रहने देना पड़ता है। पिताजी, ये देखो लिट्टी साहब की वीडियो भी चल रही है भैया। अरे आगे से दिखाना, आगे से तो वो भी दिखाना। बुआ जी प्लीज बी ऑनलाइन। सो गाइस, ये बुआ जी का भी फोन आया मेरे। बुआ जी हाय कह दो, से हाय, हेलो हेलो। अरे वो किसी का है। अरे फुफा जी वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं बराबर से। फुफा जी हेलो। हाँ, एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो कह दो। हंस रहे हो ना फिर तुम। चलो गाइस, जो भी थी ये बात, बट अभी मैं यहाँ पे पूजा कंप्लीट करता हूँ और फिर चलता हूँ अपने बड़े मंदिर पे। ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्व दशाधिके सर्व त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। ये संक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये चेन्नई से आया है फूफा जी के वहां से, फूफा जी वीडियो कॉल पे हो देख रहे हैं तो उनको दिखाने के लिए ज्यादा करना पड़ रहा है, क्या पता अगली बार एक दो ऑनलाइन। ये बस्ता नहीं ना है, बहुत टफ है। तो शंख ट्राई हमारे भैया करेंगे, हम नहीं कर पाते हैं तो कैमरा हम अभी पकड़ लेते हैं। नहीं है वो, यहाँ से फुआ जी हंस रहे हैं हमारे, कहने शंख नहीं बजाया जा करके, उनने पूरे मजे ले रखे हैं लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। रहने 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 तू रहने, फाइनली दोस्तों अभी मैं जो हरीला अपने भाई को पूज रहा हूँ, सबसे पहले हरीला पूजने में भाई को मैं लगाऊंगा पिठिया, ये वैसे हमारे बड़े भाई हैं। दोस्तों ये है कुछ हमारा हरीला जो मैं भाई को पूजता हूँ। जी जागरे बचे यो मास यो पूज भेटने रहे, सौ जल लंबे है जाए डूब जाए पुंगर जाए, हाथी जाओ त्राण आ जाओ गांव प्रधान बन जाए। मैं बाबा खूब नाम रोशन करिए, जी रे जाग रे बच रे यो मास यो पूज भेटने रहे, बस ये तो हमारा हो गया है। तो फाइनली हम मंदिर को जाने लग गए हैं और साहू जी यहाँ पहले से आके पूजा कर रहे हैं। तो फाइनली मैं आ गया हूँ मंदिर का पूजा करने के लिए एंड थोड़ा हल्के बोल रहा हूँ, ताऊ जी पहले से आए हुए हैं, ताऊ जी वहाँ मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं तो मैं भी अब यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता हूँ। सबसे पहले हम याले मंदिर में पूजा करेंगे, फिर इसमें, फिर वहाँ लास्ट, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे इष्ट देवता हैं गोलजू हैं इनकी पूजा करेंगे, फिर गंगनाथ जी की करेंगे, उसके बाद भैरव की करेंगे। तो हम इस स्टेप से करते हैं, हमारे मंदिर हमारा पूरे खानदान का मंदिर यही है जो इष्ट देवता बोलते हैं, एक्चुअल हमारे इष्ट देवता यही हैं। तो चलो आप यहाँ पे मंदिर पूजा स्टार्ट करते हैं, टाइम लैप्स में दिखलाते हैं आपको। बताओ जी पूजा करने अभी, पहले पूजा फिर काम दूजा, क्यों? हाँ ताऊ जी। तो फाइनली हम मंदिर तो पहुँच गए थे एंड यहाँ पे को अभी एक मंदिर में पूजा हमने कर ली है यहाँ पे एंड यहाँ भी करनी है, ताऊ जी हमारी जो है फोटो खिंचा रहे हैं। एक्चुअल पे हम ताऊ जी से भी इसी का हरेले का ही मतलब ही पूछ रहा था, मैंने वही जो आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बतलाया होगा वही था कि हमारी जो पहाड़ की संस्कृति है उसको दूर पे थोड़ा सा ताऊ जी बता देंगे, मुझे तो वैसे ज़्यादा पता नहीं तो ताऊ जी बताएंगे थोड़ा सा। ताऊ जी आप बताओ हरेले के उपलक्ष्य में मतलब क्यों मतलब इतना ज़्यादा इसको मान्यता है और आदमी आकर के आप त्यौहार बनाता है? ऐसा है हरियाली के लिए ये उत्सव मनाया जाता है और ये ऐसा है इसमें वृक्षारोपण भी होता है और एक जो हमारे बुजुर्गों की रीति रिवाज चली आ रही है, इस दिन धरती माता में औजार नहीं मारते हैं। अच्छा, औजार नहीं मारते हैं आज के दिन, आज के दिन न किसान ने हल चलाएगा न कोई कुछ चला, अगर मानते हैं तो। और इस दिन किसी चीज भी कटिंग कोई भी फूल की, हाँ हाँ कोई भी फूल हो फल हो कोई भी हो उसकी कटिंग आप ऐसी रोप दीजिए वो सक्सेस हो जाएगी। अच्छा हो जाएगी, हो जाएगी हाँ हाँ, ये क्योंकि कुदाल नहीं मारते हैं जमीन में, औजार नहीं चलाते हैं। अच्छा, और इस दिन की ये परंपरा है और ये हरियाली है, हरियाली के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे पहाड़ से रिलेट करती हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ आपको पता है देवभूमि है, देवभूमि के यही छोटे छोटे अर्थ हैं, यही छोटे छोटे जो त्यौहार हैं इनके कोई ना कोई आपको पता है अर्थ रहते हैं। तो इसी तरह हरेले का भी एक हरियाली को लेके त्यौहार है। आमा पूज रही है हरेला मुझे अब। जी रे जाग रे बच रे यो दिन यो माय भेटने रे, लाग हरियाओ लाग बगवाओ लाग खीर पंचम भेटने रे, खूब झाड़ू मालू है जो यो गांव प्रधान है जे प्रधान तो खैर झने गाय मंगा ले के जो किसी पे खूब बच रे
खूब भल जोते और जब जाने समुन्द्र में पानी रोल तब जाने तुरे, जब जाने घोड़ा खींग जमल तब जाने तुरे, जब जाने हिमालय में यूँ रोल तब जाने तुरे। और के बोनी शिल्पी भात खे जट्टे घगुणू जे खूब बसे खूब। सो फाइनली पूजा वगैरह मेरी सारी कंप्लीट हो गई है और मैं आ गया हूँ घर। एंड आपको कुछ कुछ बातें पता चली होंगी, हरेला क्यों बनाया जाता है और क्या इसका वृथार्थ है, क्यों मतलब बनाया जाता है असलियत में, मतलब किस चीज के लिए बनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है जितने भी हिंदू धर्म के लेके जितने भी त्यौहार रहे हैं, जितने भी तीज त्यौहार रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा हुआ है। चाहे आप अगर दीपावली उठा लो, रक्षाबंधन उठा लो, आप कोई भी त्यौहार ले लो, तो उनका कोई ना कोई रीजन रहा है। तो हरेले का ये भी रीजन था कि अपनी हरियाली बरकरार रहे, लोगों की फसल अच्छी हो, जितने भी किसान लोग रहते हैं उनकी फसल अच्छी हो। आज के दिन में अपनी धरती माता पे कोई भी हम औजार वगैरह नहीं चलाएंगे, नहीं चला सकते हैं। अपने परिवार की दीर्घ आयु के लिए ये सारी चीज़ों को करा जाता है। एंड फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।